वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल परान कमल एंटरटेनमेंट। प्रिय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है परान कमल एंटरटेनमेंट में। आज एक नया चीज लेके मैं जाने वाला हूँ, मतलब 2011 के बाद फिर एक बार ड्रामा करने जा रहा हूँ स्टेज पर। तो वो शो है, अभी रियाज चल रहा है, आज रियाज का फाइनल रियाज होने वाला है विथ म्यूजिक के साथ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं आगे में भी बोला था कि मैं वादा किया था कि मैं जो जो करूँगा, जहाँ जहाँ जाऊँगा, जो जो चीज़ करूँगा, तो आप लोग के साथ जुड़ा रहूँगा। तो इसीलिए मैं जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का साथ। तो चलिए एक साथ ही चलते हैं रियाज की तरफ। अभी मैं फिलहाल घर से निकल आया, तो मैं जा रहा हूँ अभी रियाज की तरफ। तो मैं ये कहने जा रहा था कि ये जो ड्रामा है अभी करने वाला हूँ मैं, जो स्टोरी है, ये दूसरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये है एक स्टोरी गल्प के आधारित एक स्टोरी है। इसको मैं बोलूँगा थोड़ा, ये अभी ट्रैफिक है, ट्रैफिक को मैं क्रॉस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरे साथ जुड़ा रहिए। हाँ, मैं बोलने जा रहा था कि ये स्टोरी थोड़ा अलग है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का स्टोरी है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, उसका जो व्यक्तित्व है वो हम लोग मुँह से बोल के बयान नहीं कर सकते। ये एक ऐसे शख्सियत है, ऐसे महान शख्सियत है, जो जिसको नेशनल, राष्ट्रीय, बहुत बार राष्ट्रीय पुरस्कार उसको मिल चुका है। फिल्म हो, गल्प हो, स्टोरी हो या ड्रामा हो, ये सब में उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। और सबसे बड़ा बात है, वो ऐसा महान शख्सियत है कि भारत का सबसे उच्च जो सम्मान है, भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो वही महाशख्सियत सत्यजीत राय जी का एक छोटा सा स्टोरी का आधारित यही स्टार से एक ड्रामा बनाया गया। तो ये असम का एक जाने माने रिपोर्टर, वो नाट्य विशेषज्ञ हिल्लुल पाठक ने ये स्टोरी को नाट्य रूप दिया। तो उसी को हम लोग प्ले करने जा रहे हैं 26 मई को गुवाहाटी में ही। तो अभी उसी के लिए ही मैं हम लोग जा रहा हूँ अभी फाइनल रियाज करने के लिए विथ म्यूजिक। तो चलिए, दूर भर की जिंदगी, ये है गुवाहाटी, ये नया गुवाहाटी बनने जा रहा है, मतलब ब्रिजों का शहर। ज़्यादा ट्रैफिक है, इस ब्रिज निर्माण हो रहा है यहाँ पे, ये फ्लाईओवर का, तो इसीलिए थोड़ा सा जाम है, ट्रैफिक है। तो मैं जा रहा हूँ अभी। अभी है ये युगिदा है, जुगीरा चक्रवर्ती, ये भी हमारे साथ जुड़ गया, और पीछे में शर्मा है, वो भी जुड़ रहा है हम लोग का साथ। तो हम लोग एक साथ ही निकल रहे हैं अभी, फिर वही मंजिल की तरफ। चलिए चलते हैं, ये नया बन रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत लंबा ब्रिज है ये, गुवाहाटी में बन रहा है। हाँ, अभी जहाँ रियाज हो रहा है उस बिल्डिंग के नीचे हम लोग पहुँच गया, हम लोग
अभी जाएंगे और उठेंगे। अभी हम लोग को ऊपर चढ़ना है 5th मंजिल तक, ऐसे ही सीढ़ी से ही हम लोग को जाना पड़ेगा। अभी 5th मंजिल हम लोग अभी पहुंच गया। इसी दरवाजे से अंदर घुसेंगे और ये हम लोग का मंजिल। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग पहुँच गया मंजिल। अभी हम लोग पहुँच गया, ये ही है हम लोग का आप जहाँ पे हम लोग का रियाज होगा। गुवाहाटी का मतलब हम लोग नज़ारा दे सकते हैं यहाँ से करीबन। गुवाहाटी का नज़ारा है, ये है। हम लोग यहीं पर ही फिलहाल रियाज करेंगे। तो मेरे साथ है मेरा ब्रो असम का जाने माने बहुत अच्छा कलाकार, प्यारा कलाकार हैं जोगी जी। तो जोगी जी बोलिए, हम लोग क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे? अभी हमारा 26, 27 और 28 मई हमारे शुरू होने वाले हैं हमारा गल्प महोत्सव, गल्प नाटक समारोह। और 3 दिन शाम 6 बजे से स्टार्ट होगा और 3 गल्प है उसमें। हम परांग जी, मैं और हेलेना अख्तर है और एक छोटा सा बच्चा आयुष्मान आयुष्मान है। म्यूजिक क्या है इस नाटक का, असम का जाने माने कलाकार म्यूजिक डायरेक्टर अहिर भैरव है और लक्ष्मी नारायण शर्मा भी है हमारे साथ। और इस नाटक का डायरेक्टर है कुलेंद्र राय चौधरी और नाटक ये जो हम खेल प्रस्तुत करने वाले हैं वो खेल 26 तारीख शाम 6 बजे सिगल थिएटर, असम के जाने माने इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिएटर पर्सनैलिटी बहाउल इस्लाम के घर में स्टूडियो थिएटर, सिगल स्टूडियो थिएटर में हमारा ये गल्प नाटक महोत्सव शुरू होगा। और हमारा जो नाटक है इस नाटक का नाम है क्लास प्रेम, इंटरनेशनल गल्पकार फिल्म मेकर सत्यजीत राय का गल्प उस नाटक का उस गल्प का नाट्य रूप दिया है हिलल कुमार पाठक ने। आइए देखेंगे एक साथ मिलके। हाँ, जो बोला जोगी जी ने क्योंकि ये जो महान हस्ती का नाम लिया सत्यजीत राय जी, वो एक इंडिया का एक ग्रेटेस्ट पर्सनलिटी हैं जिसको मतलब भारत का सर्वोत्तम जो पुरस्कार जो सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था, तो उसी का ही एक गल्प है। एक उसका नाम था सहपति, वो सहपति से ही हम लोग का ये जो ड्रामा है ये इसका नायक रूप दिया गया हिलुल पाठक ने। हिलुल पाठक भी एक ग्रेट शख्सियत है, उसने बहुत सारा गल्पों को लिखा है, पुस्तक भी निकला है अभी उनका। तो वो भी एक जाने माने कलाकार हैं और नायक समालोचक हैं और रिपोर्टर भी हैं, मतलब असम का सीनियर रिपोर्टर हैं। उसने ये इसको प्रस्तुत किया ये ड्रामा को और हम लोग साथ इस ड्रामा को हम लोग करने जा रहे हैं 26 मई को सिगल स्टूडियो में, क्योंकि वो भी एक ग्रेटेस्ट स्टूडियो है जहाँ पे नेशनल जो एक्टर हैं बाहुल इस्लाम, तो उसका ही स्टूडियो है वो एक ग्रेटेस्ट प्लेस है वो भी वो स्टूडियो। क्लास फिल्म देखने के लिए शाम 6 बजे से ये ड्रामा शुरू होगा
करीबन 1.5 घंटा का ड्रामा होगा। तो हम लोग का जब म्यूजिक शुरू होगा, ड्रामा शुरू होगा, मैं थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सब अगर आज मैं दिखा दूँगा तो आप लोग तो नहीं आएगा ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके जुड़ा रहिए। मैं और भी पर्सनलिटी हैं आने वाला है, एक्टर हैं असम का जाने माना, और भी एक्टर हैं, सबके साथ मैं बिठाने का कहने का कोशिश करूँगा, जोड़ने का। हाँ जी चलिए। रिहार्सल चलि रिहार्सल काम रिहार्सल हम लोग अभी रियाज में हैं, रियाज कर रहा हूँ। तो म्यूजिक चल रहा है, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग ये या रियाज चल रहा है। तो हम लोग म्यूजिक कर रहे हैं और 3 दिन फेस्टिवल 3 दिन का होगा। और हमारा नाम है क्लास फ्रेंड, हम लोग ये सत्यजीत राय जी के गल्प के आधारित ये हमने करने जा रहे हैं कल। तो हाँ दोस्तों, अभी तो मैं बोल रहा था कि ये चल ही रहा है हम लोग का रियाज। अभी हम लोग का बहुत प्यारा इंसान है कुलेंद्र राय पाठक चौधरी, राय चौधरी। तो ये हैं असम का जाने माने कलाकार, नाट्यकर्मी, डायरेक्टर और सुलेखक, एक बहुत अच्छा राइटर भी है। तो इसका यही है हम लोग का आज ये जो हम लोग क्लास प्लेन कर रहा है, ये जो हम तीनों ड्रामा कर रहा है, ये तीनों ड्रामा का डायरेक्टर हम लोग का सेनापति। तो कुलेंद्र बोलो तीन दिन आमार नाटक महोत्सव, तीनटा गल्पक लई आमी नाटक करिब लैछो 26, 27, 28 मे गुवाहाटी सिगल स्टुडियो जुरोनी पथत सन्ध्या 6 बजात। प्रथम गल्पटो हैछे 26 तारिख गल्पटो हैछे सत्यजित त्रयर गल्प क्लास फ्रेंड, नाट्यरूप आमार हिल्लोल कुमार पाठके दिछे। आर द्वितीय दिनाखन 27 तारिखे आछे आमार स्वाधीनता चला अनुराधा शर्मा पूजारीर गल्प। আর 28 তারিখে আছে গঙ্গাদেবী গীতালী বড়ুয়ার। গতি আপনার নিমন্ত্রণ জানালো, আমন্ত্রণ জানালো, সকলে আহিব, লগ পাম। এটা আমলোকা ডাইরেক্টর কুলেন্দ্র রায় চৌধুরী। তো আমি ড্রামা কি তরফ যাতে সেট ভরা হুয়া হ্যাঁ, তো সেট কি তরফ যে চল রা হ্যাঁ, পুরা बच्चा कलाकार है, बहुत अच्छा अच्छा सिंगर भी है। बोलो दो एक
আমার যখন নাটক তিনিখন নাটকের যে গল্প মহোৎসব হয়ে আছে, আরে এখন নাটক আছে স্বাধীনতা চোলা, আর এই চোলার স্বাধীনতা চোলার মুখ্য নায়ক আমার ভাল অসমৰ প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা, ভাল অভিনেতা আমার দাদা চৈতন দা। চৈতন দা কোক না দুয়াকার মাতক রাইজক নমস্কার। মই সত্যেন শর্মা আপনার সাদর নিমন্ত্রণ জানাইছো। অহা 26 তারিখে আমার ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড আছে, ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড সত্যজিৎ ৰায়ৰ গল্পৰ ওপৰত আধাৰিত। তাতে পৰাণ, হেলেনা, যোগীৰাজ আৰু মাইনা এজনে মাইনা এটা চাই কৰিছে, ধুনীয়া হৈছে। দ্বিতীয় দিনা আমাৰ আছে স্বাধীনতা চোলা অনুৰাধ শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ গল্পৰ ওপৰত। মই আছোঁ, কবিতা চুতীয়া আছে, ভাস্বতী দাস বুলি ছোৱালীজনী আছে, আৰু সজিত, আমি চাৰিটা আছোঁ। শেষৰ দিনা 28 তাৰিখে গংগাদেৱীত, গংগাদেৱীত আছে সাজু হ'বৰে চিনাকি আৰু নিমিকাশ্য। আপোনালোক আহক, আটাই আমাৰ নাট উপভোগ কৰা, আমাক উৎসাহ দিয়ক। আৰু বেলেগ একো নাই, আমি বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আজি এমাহ ধৰি, এতিয়াও আমি ৰিহাৰ্চেলতে আছোঁ। আপোনালোক চাব দেই।
প্লিজ সন্ধিয়া 6 বজাত তিনিও দিনে আহক চাও আৰু সমালোচনা কৰক ভালখিনি কব নালাগে বেয়াখিনি কব থ্যাংক ইউ हिंदी वाला बांग्ला हिंदी मैंने जितना हो सके तो कोशिश किया कि ये जो हमारा फेस्टिवल था ड्रामा था हम लोग ने जो मिल के ये क्या शुरू किया था ड्रामा तो उसको यहीं पर हम लोग विराम करते हैं तो ये जो फेस्टिवल अब ऑब्वियसली हो गया तो मेरे मैं प्यारे दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा ये ड्रामा का ये फेस्टिवल करके बहुत अच्छा लगा 3 दिन का फेस्टिवल था एक पहला दिन मेरा था दूसरा दिन अलग अलग 3 महान हस्ती का गल्प था और 3 महान हस्ती का गल्प यहाँ पे ड्रामा का रूप दिया गया और आखिर में आज ख़त्म हो गया। आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है अभी ये स्टूडियो खाली हो रहा है धीरे धीरे लोग अभी लोग यहाँ से जा चुका है तो मैं मेरे साथ अभी प्यारा सा इंसान है ये सखे तो हम लोग मैं क्या कहना चाह रहा था तो 3 दिन का ये जो फेस्टिवल है ये ख़त्म हो गया आज थोड़ा सा बुरा लगेगा आज के बाद क्योंकि एक हम लोग जब काम करते हैं कि क्या होता है एक फैमिली की तरह हो जाते हैं सब अभी करीबन 20 लोग ये इस फेस्टिवल में हम लोग रोज़ मिला करते थे तो आज से शायद नहीं मिलेंगे
थोड़ा सा दुख तो लगेगा। फिर से मिलेंगे, अभी फिर मिलेंगे, फिर भी फेस्टिवल अभी ख़त्म हो रहा है तो फिर हम लोग नहीं मिलेंगे। तो यारे दोस्तों, मैंने वादा किया था कि राजा के मुताबिक कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, जो जो करूँगा, तो आप लोग के साथ जुड़ा रहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जोड़ने का। तो अभी ये फेस्टिवल का ये जो मेरा ब्लॉग मैंने बनाया था, जो वीडियो मैंने बनाने का कोशिश कर रहा था, आप लोग का साथ लेकर, आप लोग के साथ जोड़ कर, तो मैं ये वीडियो अभी यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।